हाय फ्रेंड, आज हम बताते हैं कि हाथों में रेखाएं कौन सी क्या होती है। ये रेखा है, ये हमारी भाग्य रेखा है और यह हमारी जीवन रेखा है और यह हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, यह हृदय रेखा होती है, ये बृहस्पति का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत है, यह बुध का पर्वत है और यह चंद्रमा का पर्वत है और यह शुक्र का पर्वत है। यहाँ और यहाँ इन दोनों पर मंगल का पर्वत होता है और यह हमारा अंगूठा जो हमारे विल पावर के लिए देखा जाता है। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीवन रेखा की। अगर जीवन रेखा बिना कटी हो तो जातक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और उसको बीमारियां कम परेशान करती हैं। अगर जीवन रेखा कटी है या पतली है तो जातक को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है और वह बहुत जल्दी बीमार भी हो जाता है, वह काम करते करते थक भी जाता है। जीवन रेखा जिस हिस्से पर टूटी हो या गड्ढा हो या अन्य कोई निशान हो तो उम्र के उसी पड़ाव पे उसका स्वास्थ्य बहुत खराब होता है या उसका अचानक एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाता है। हाय फ्रेंड, आज हम बात करें मस्तिष्क रेखा की। ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। अगर यह रेखा अंत में दो भागों में बढ़ जाती तो जातक बहुत सोचने वाला होता है और कोई भी डिसीजन नहीं लेता है और यही रेखा अगर चंद्रमा पर्वत में बहुत झुकी हुई हो तो वह बहुत ही नकारात्मक होकर डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। अगर यही मस्तिष्क रेखा छोटी हो या बीच में टूटी हुई हो तो जातक मानसिक रोगी होता है। अगर इसी रेखा पर जंजीर बनी हो या नीचे से बहुत सी रेखाएं निकल रही हो तो जातक का मन स्थिर नहीं होता। हाय फ्रेंड, आज हम बात करें भाग्य रेखा की। अगर भाग्य रेखा बिना टूटे हुए शनि पर्वत तक जाती है तो जातक की मेहनत और किस्मत उसका हमेशा साथ देती है। अगर यही भाग्य रेखा जीवन रेखा के साथ साथ चलती है तो ऐसे में बिना मेहनत के भी किस्मत साथ देती है और बिना मेहनत के सफलता और धन की प्राप्ति भी होती है। अगर भाग्य रेखा मणिबन से शुरू होती तो जातक को किसी के सहारे ही सफलता की प्राप्ति होती है। अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होती है तो जातक को बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। हाय फ्रेंड्स, अगर हृदय रेखा शनि पर्वत से शुरू होती है तो जातक प्रेम के मामले में दिखावा करता और स्वार्थी होता है। अगर यही रेखा गुरु पर्वत से शुरू होती है तो जातक प्रेम का दिखावा नहीं करता है। यही हृदय रेखा अगर पतली होती जाती है तो जातक नीरज स्वभाव का होता है और रेखा गहरी मोटी हो तो जातक बहुत ही दयालु होता है। अगर यही रेखा लालिमा लिए हुए हो तो जातक दूसरों से जलन करने वाला और गुस्सा करने वाला होता है और अगर हृदय रेखा के नीचे लाइन नहीं निकल रही हो तो जातक का दिल बहुत ही टूटता है।